दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित है ग्राम बुरई, जहां के रहवासी इन दिनों एक नाला निर्माण को लेकर काफी परेशान हैं। एक तो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, ऊपर से बरसात के मौसम ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। ग्राम बुरई में चल रहे अधूरे नाला निर्माण की वजह से एक दीवार भी ढह गई है और आवागमन करने के रास्तों में कई छोटे बड़े तालाब निर्मित हो गए हैं, जिससे ग्रामवासियों का आवागमन करना खासी दिक्कतें पैदा कर रहा है। इस ग्राम में समस्याएं ठीक उसी प्रकार की हैं, जिस प्रकार की समस्या ट्रेनों में लगी अंतिम जनरल बोगी में होती है। पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा विकास की गंगा बहाई जा रही है, परंतु इस ग्राम में विकास की गंगा से निकली हुई एक नहर भी दिखाई नहीं देती, जिसका खामियाजा यहाँ के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। गाँव के सरपंच अपनी पूरी तत्परता से लगातार अधिकारियों से संपर्क तो कर रहे हैं, परंतु अधिकारी हैं कि अपने कानों में रुई डालकर बैठे हुए हैं। ग्रामवासियों ने अपनी पीड़ा मीडिया से साझा की है। ठेकेदार जो है वह सड़क के निर्माण करत है, वह सड़क के साथे साथ नाली के व्यवस्था भी करत जाती, एक साथ जो सड़क के व्यवस्था करत है वह कोई के घर भी बना थे वह टूट जाते, एक से बहुत ही समस्या आती। तो अपन ठेकेदार जो है सड़क के साथे साथ नाली के निर्माण करें, और हमर बुरे गांव में पानी गिरत है, वर्षा होते लेकिन इतना कीचड़ हो जाते, लेकिन अधिकारी मन हाँ कोई समस्या ला दूर नहीं करत है। बहुत से इधर उधर चिक्खल से, कोई तरफ चिक्खल है कोई तरफ गड्ढा है, तो कोई साथ भी नहीं देते। बरसात के मौसम है और डेंगू बीमारी मच्छर वच्छर के बहुत ही परेशानी है, एक से हमला क्यों प्रकार के बीमारी हो सकत है, तेकर से ध्यान दे लगी साफ सफाई के, अपन अपने जगह ला अपन ये ला मने अपन आंगन वन के ला सब अपन अपन ध्यान देहू और साफ सफाई करूँ। सरकारी अधिकारी मन से कोई सहयोग भी नहीं मिला थे हमला। हाँ वो तो समस्या आ है, वो तो दीवार भी घर के दीवार भी गिर जाते और वहाँ सामने में भी कोई नहीं रहिस, अगर कोई रहतीस तो बहुत ही खतरनाक हो जातीस वहाँ साथ में। एकर जानकारी मैंने देरी से, लेकिन एकर से कोई सहयोग नहीं मिला थे। नाली क्या है, नाली लोग खोद दिए हैं घर किनारे से, पूरा जाने के लिए रास्ता, पानी जाने के लिए रास्ता भी नहीं बनाया है, सामने से कटाव नहीं किए हैं, नाली के जैसे गली का पानी आ रहा है जैसे बाहर से जाने के लिए भी रास्ता नहीं बनाया है, और एक दो तो पर्दा तो फूट गया है। हमारा दो घर है मकान बिल्डिंग, वो टूटने को है, एक हफ्ता हो गया, शनिवार पिछले शनिवार को है खोदे हैं, अभी बेस करके रखे हैं बस, अब पता नहीं वो लोग पीछे वाला काम तो हुआ नहीं है, पीछे वाला काम कर रहा है वो नाली का, ठेकेदार बोलता है कि वो लोग नाली उधर का काम करके आएंगे तब इधर करेंगे बोलता है, वो उसमें नहीं हुआ है, लेकिन अभी बिल्डिंग जो खड़ा है ना वो गिरने को है, कभी भी गिर सकता है, उसमें है आदमी रहता है उसमें, वो कभी भी घटना हो सकता है उसमें। पूरा तो रोड तो पूरा मत पूछो उधर का, जहाँ से शुरू होता है अपना गाँव के लिए इधर गाँव का अंतिम तक पूरा रोड का दुर्दशा है, पानी जहाँ कहीं से जा आ रहा है पूरा रोड खराब करके रखा है, अधिकारी लोग तो सुनते नहीं है, और उसका जो ये है जेसीबी वाला उसको बोलोगे तो मेरा सुपरवाइजर जानता है, बोलते हैं सुपरवाइजर लगाओ फोन, तो वो तो मेरे को पता नहीं ऐसे बोलते हैं, लोग टालते रहते हैं बात, उनसे लगा रहा हूँ इंजीनियर उसका साइड इंचार्ज है उसको भी, तो आज सवेरे तो उठाया नहीं फोन, उसका एक जेसीबी खड़ा है उधर, वो मेरे को ऑर्डर दे गए तब काम करूंगा बोलते हैं, खड़ा है अभी आधा एक घंटा से वहीं पर बैठा था। ग्राम बुरई दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का अंतिम छोर माना जाता है, जहां के विधायक छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं, बावजूद इसके इस ग्राम का विकास न हो पाना समझ से परे है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।